हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स खुद से, अपने आप से ये कैसे पता कर सकते हैं कि कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 21 अक्टूबर के बाद। कभी भी एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, कॉलेजेस के बॉन्ड के बारे में पता करना है, कॉलेजेस की जो स्टाइपेंड है उसके बारे में पता करना है, या कॉलेजेस के अदर डिटेल्स के बारे में पता करना है, तो किस तरीके से आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाकर के कॉलेजेस की डिटेल्स को पता कर सकते हो। एट द सेम टाइम एनबीई डिप्लोमा या डीएनबी सीट्स की डिटेल्स जो हैं कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में, कौन कौन से ब्रांचेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, ये सारी डिटेल्स जो है आप खुद से कैसे पता कर सकते हो। या फिर अदर इन्फॉर्मेशन भी, जो अपडेट्स आएंगी वो अपडेट्स आपको कहाँ पर मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो ये जानकारी, ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। और वैसे भी मेरे पास रेगुलरली कॉल आ रहे हैं व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिसमें डीएनबी की कोर्स होने वाली है, या कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिनमें एनबीए डिप्लोमा की कोर्स होने वाली है, कौन कौन से ब्रांचेस में हो रही है, तो ये हम कैसे पता करें। सो बेसिकली जो वीडियो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है कि अगर आपको एमडीएमएस गवर्नमेंट सीट्स या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स निकालनी है, जैसे कि स्टाइपेंड या बॉन्ड डिटेल्स निकालनी है, तो सिंपल आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है www.mcc.nic.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एक मेन्यू मिलेगी, मेन्यू का एक सेक्शन होगा पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। इस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट को आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे कि नीचे बहुत सारे कॉलेजेस, मोर देन 289 कॉलेजेस आ जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स, जो गवर्नमेंट, जिसके सामने गवर्नमेंट लिखी होगी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, और जिसके सामने डीम्ड लिखी होगी या एमएनजी मैनेजमेंट लिखी होगी वो वहाँ की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो होंगी। उसी में आप राइट साइड में देखोगे दो कॉलम आपको मिलेगी, एक कॉलम रहेगी बॉन्ड की, जिसे आप क्लिक करोगे तो उस कॉलेज में कितने साल की बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगी, बॉन्ड्स एंड रूल्स ओपन हो जाएगी, और एक कॉलम रहेगी स्टाइपेंड की, जिसे आप ओपन करोगे तो आपको पता लगेगी कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी की स्टाइपेंड दी जाती है, साथ साथ में फीस कितनी है। तो ये बॉन्ड, फीस और जो स्टाइपेंड की डिटेल्स है वो सिंपली आपको एमसीसी की वेबसाइट पे, जब आप जाओगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो नंबर ऑफ कॉलेजेस आ जाएंगे जो एमसीसी में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, जिसकी काउंसलिंग पहले स्टार्ट होने वाली है, जिसकी काउंसलिंग 21 के बाद स्टार्ट होगी, जो सेंट्रल लेवल काउंसलिंग के अंदर आती है, वो सारे इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे, उनकी बॉन्ड आ जाएगी, उनकी स्टाइपेंड आ जाएगी, उनकी फीस आ जाएगी, राइट। इस तरीके से आप ऑल इंडिया कोटा एमडीएमएस की जो कॉलेजेस हैं, जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट करती है, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिसकी काउंसलिंग एमसीसी करती है, वो डिटेल्स आपको मिल जाएगी। साथ में अगर आप डीएनबी या फिर डिप्लोमा, एनबी डिप्लोमा के लिए सिमिलर इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में डीएनबी डिप्लोमा स्टार्ट होने जा रही है, किस में कितनी कितनी सीटें आई है, या डीएनबी के कितने कितने हॉस्पिटल, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में कितनी कितनी सीटें आई है, तो आपको जाना पड़ेगा नेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो है www.netboard.edu.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मेन्यू सेक्शन में एक सेक्शन मिलेगी एक्रेडिशन ऑनलाइन। एक्रेडिशन ऑनलाइन को आपको क्लिक करना है। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो नीचे DNB/FNB सीट्स आएंगी। आप थोड़ा नीचे जाओगे तो DNB/FNB सीट्स आएंगी। आपको उस लिंक को क्लिक करना है और नीचे जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे जाओगे, एक सर्च क्राइटेरिया सर्च बार आएगी, सर्च क्राइटेरिया करके, उसी में तीन फील्ड्स होंगे, जिसमें कि स्टेट्स में आपको ऑल स्टेट्स कर देना है, हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूट्स में आपको ऑल एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स कर देना है और सर्च करना है। जब आप ओके करोगे तो आपके पास मल्टीपल लिंक्स ओपन होंगे, जिसमें ऑल DNB/FNB स्पेशलिटीज़ को आप अगर क्लिक करते हो, सिलेक्ट करते हो, ओपन करते हो, तो आपको DNB/FNB के हॉस्पिटल्स ओपन हो जाएंगे, और कौन उस हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स में कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट्स आई है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सिमिलरली उसी लिंक में आप देखोगे
तो ऑल डिप्लोमा स्पेशलिटीज पे आप क्लिक करोगे, चेक करोगे, तो डिप्लोमा की जो एमबी डिप्लोमा की जो हॉस्पिटल्स है वो ओपन हो जाएगी। और उन हॉस्पिटल्स में किस किस हॉस्पिटल्स में एमबी डिप्लोमा होने वाली है और कौन कौन से हॉस्पिटल्स में किस किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें आई है, वो सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो एमसीसी की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स रहेगी, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उनकी 50% सीट्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स रहेंगी और डीएनबी की सीट्स रहेंगी। तो ये तीनों की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगी। साथ में अगर हम एनबी डिप्लोमा की बात करें तो एनबी की डिप्लोमा की जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी के बाद प्रोबेबली होगी, प्रोबेबली एमसीसी के बाद ही होगी, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि एमसीसी के साथ ही एनबी डिप्लोमा की भी इन्फॉर्मेशन होगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एमसीसी की काउंसलिंग के बाद ही एनबी डिप्लोमा की काउंसलिंग होगी, और एनबी डिप्लोमा के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से जाकर के आप निकाल सकते हो। और कोई भी अपडेट्स भी होगी तो इसी वेबसाइट पर आपको जाकर के ऑफिशियल अपडेट्स भी मिलेगी। आई होप गाइज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं और मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाता, या फिर मैं मीटिंग में होता हूं तो बात नहीं कर पाता हूं। सो, अब आप खुद से ही ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कहाँ पे बॉन्ड कम है, कहाँ पे स्टाइपेंड ज़्यादा है, क्या आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जैसे डिटेल्स आप गैदर करके खुद से अपने काउंसलिंग को आप प्लान कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी चाहिए तो भी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।